हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कच्चे दूध को फेस पे लगाने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कच्चे दूध के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप कच्चे दूध को ऐसे भी लगा सकते हो, हल्दी मिक्स करके भी लगा सकते हो, उसमें नमक और नींबू डाल के भी लगा सकते हो, पर सबका अलग अलग यूज़ होता है। तो मैं आपको आज जो बताने वाली हूँ, जैसे आपके चेहरे पर गंदगी हो जाती है, खासकर जब हम बाहर से धूल में कहीं से घूम कर आते हैं, रास्ते में से घूम कर आते हैं, तो हमारे चेहरे पर काफ़ी डस्ट हो जाती है, जिसके कारण हमको पिंपल होने का भी डर रहता है। तो मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि दूध से, कच्चे दूध से आप अपने फेस को कैसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। देखो, एक या दो दिन लगाने से तो कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है। आपके चेहरे पे यदि कालापन है या कुछ दाग टाइप के हो गए हैं, तो आप इसको हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार लगाइए, और इसे आपको 1 महीने कंटिन्यू लगाना है, मतलब कि हफ्ते में 4 बार, तो महीने में आप लगा लीजिए, ठीक है। तो उस हिसाब से हम अपने फेस पे इसको अप्लाई करेंगे। तो कैसे लगाना है ये मैं आपको आज बता देती हूँ, ठीक है। ये मैंने कच्चा दूध ले लिया है, और वैसे कच्चा दूध यदि गाय का होता है तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। भैंस का भी चलेगा, पर गाय का ज़्यादा बेटर होता है। तो इसे कैसे अप्लाई करना है, इसे कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल इसे अपने हाथों से लगाना है। ये देखिए, ये मेरे फेस पर जो आपको पिंपल दिख रहे हैं, आप कहोगे कि दीदी आपके फेस पर तो इतने पिंपल हैं, तो पहले आप इनको तो ठीक कर लो। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे फेस पर ये पिंपल नहीं है, मेरे फेस पर ये मसे हो रहे हैं, जिन्हें ठीक करने के लिए मैं दवाई लगा रही हूं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये ठीक हो रहे हैं। तो मैं मसे के लिए कौन सी दवाई यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको ये भी कुछ समय में बता दूंगी। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप मसे को जड़ से कैसे ख़त्म कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 हफ्ते में। तो ये देखिए, इसे ऐसे अप्लाई करना है। ये देखिए, इसे एकदम आँखों पे ना जाए। कच्चे दूध का यूज़ आप रोज़ भी कर सकते हो, ये बहुत बहुत ही अच्छा होता है। और ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो, ये दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। ऑयली स्किन वाले जो भी हैं, वो इसमें हल्का सा एक चुटकी नमक मिलाकर अप्लाई करें, तो इससे जब भी वो मेकअप करेंगे या उससे पहले इसे यूज़ करेंगे ना, कच्चे दूध में नमक डाल के, बिल्कुल हल्का सा नमक डाल के, तो उनके मेकअप करने के बाद पसीना नहीं आएगा, ठीक है। और ड्राई स्किन वालों को ऐसे ही लगाना है। आगे मैं आपको कुछ वीडियो में ये भी बताऊंगी कि दूध में हल्दी का यूज़ कब करना है, किस लिए करना है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या किसी को इससे नुकसान तो नहीं, तो ये मैं आपको बताऊंगी। तो आपको इसे ऐसे करके, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट ऐसे मसाज करनी है, ठीक है। और मसाज करने के बाद 2 मिनट तक इसको ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। तो मैं छोड़ दे रही हूँ, और अब मैं आपको 2 मिनट के बाद फेस वॉश करके बताऊंगी, ओके। 2 मिनट हो गए हैं, और ये देखिए, मैं अपना फेस वॉश कर आ गई हूँ। देखो, कोई भी चीज हम जब ट्राई करते हैं तो 1 बार 2 बार में हमें ऐसे समझ में नहीं आता है। आप इसे हफ्ते में 3 से 4 दिन लगाइए। यदि आप इसे मॉर्निंग में लगाते हो तो नहाने के आधे घंटे पहले लगाओ, और यदि आप इसे नाइट में लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नाइट में आप इसे लगाकर सो जाते हो, और सुबह जब आप फेस वॉश करते हो तो आपका चेहरा बहुत ही ग्लो करता है और काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाय। सब अपना ख्याल रखिए और घर पर रहिए।